13 अप्रैल 1919 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ देखिए मैं संस्कृति मंत्रालय भी देखता हूं संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ साथ तो ये जो ऐतिहासिक स्थल है यहां पे मैं शहीदों को नमन करने आया हूं दूसरा संस्कृति मंत्रालय का ही ये प्रोजेक्ट था लगभग 31 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो रिनोवेशन हुआ एमबीसीसी ने इसको और सारा एक जो पहले एक ट्रस्ट चलता था उसको अमेंडमेंट भी किया संस्कृति मंत्रालय ने हमारे मलिक साहब बैठे हैं श्वेत मलिक साहब ये भी एक ट्रस्टी हैं इधर हमारे सोडी साहब बैठे हैं आज मैं इस स्थान को देख करके एक इश्यू है मेंटेनेंस का उसको हम संस्कृति मंत्रालय से हल करवाने के लिए जो सुझाव आए हैं यहां उनको लेकर के और उन सुझावों के माध्यम से इनको हल करेंगे दूसरा प्रमुख मुद्दा शहीदों को नमन करने का और किस तरह नरेंद्र मोदी जी के शासन में ये रिनोवेट हुआ आपने सबने देखा कि कितना बड़ा ये काम हुआ इसमें केमिकल ट्रीटमेंट भी था और अब पब्लिक भी आती है फुटबॉल भी बड़ा है और पब्लिक भी प्रसन्न है पहले कोई फैसिलिटी थी नहीं यहां पे इवन टॉयलेट फैसिलिटी भी प्रॉपर नहीं उसके बाद यहां बैठने की व्यवस्था पंखों की व्यवस्था गैलरी की व्यवस्था लाइट एंड साउंड शो की व्यवस्था ये सब संस्कृति मंत्रालय के प्रोजेक्ट से ही हुआ था इसलिए हमारी एएसआई की टीम भी हमारे साथ आई हुई है बहुत बहुत धन्यवाद